when I started disagreeing with her politically, which came to a head at the end during the emergency, I couldn't bear it anymore. But long before that, we had partly separated. मेरी और इंदिरा के बीच सियासी मतभेद इमरजेंसी के दौरान चरम पर पहुंच गया। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमारे रिश्तों में कटुता आ गई और हम अलग हो गए। कुछ ऐसे खरे विचारों की थी विजय लक्ष्मी पंडित। जब 1975 में इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई तो वे खुलकर अपनी भतीजी के विरोध में आ गई थी। उन्होंने इंदिरा के इस कदम को लोकतांत्रिक देश के लिए एक काला दिन बताया था और इंदिरा के खिलाफ कैंपेनिंग की। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित का असली नाम स्वरूप कुमारी नेहरू था। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को नेहरू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। 1921 में उन्होंने काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रंजीत सीताराम पंडित से विवाह कर लिया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आजादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गईं। वे पहले पिता मोतीलाल नेहरू के साथ आंदोलन से जुड़ी रहीं। इसके बाद भाई जवाहरलाल के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहीं। विजय लक्ष्मी पंडित कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1937 में वो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और मंत्री बनी। विजय लक्ष्मी पंडित 1946 में संविधान सभा में चुनी गई। यहाँ उन्होंने औरतों की बराबरी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और बातें मनवाई। विजय लक्ष्मी पंडित आजादी के बाद 1947 से 1949 तक रूस में राजदूत रहे। शीत युद्ध के दौरान विजय लक्ष्मी पंडित ने रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के साथ तालमेल बिठाया। 1949 में उन्हें अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्ष रही। वो पहली महिला थी जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। यहाँ पर उन्होंने महिला हक की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर मैं विश्व की नागरिक हूँ जिसे निष्पक्ष रहकर जनरल असेंबली का कामकाज देखना होगा। विजय लक्ष्मी पंडित 1955 से 1961 तक इंग्लैंड, आयरलैंड और स्पेन में हाई कमिश्नर रही। 1962 से 1964 तक वे महाराष्ट्र की गवर्नर रही। 1964 में नेहरू का निधन हुआ और विजया नेहरू के क्षेत्र फूलपुर से लोकसभा में चुनी गई। विजय लक्ष्मी पंडित का 1 दिसंबर 1970 को देहरादून में 90 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। जिस समय महिलाओं की राजनीति में कुछ खास नहीं चलती थी, उस समय विजय लक्ष्मी ने देश की राजनीति में महिला शक्ति का दीदार करवाया। यही कारण है कि आज भी उन्हें एक साहसी महिला के तौर पर याद किया जाता है।